ये हम सब जानते हैं कि हमारा जो बॉलीवुड है, इसमें फिल्मों की जो कहानियां होती हैं वो इनकी रूह होती है, और इनके जो डायलॉग्स होते हैं वो इनकी जान होती है। और दो ऐसे लेजेंडरी लेगेसी वाले स्क्रीन राइटर्स की जोड़ी रही है सलीम जावेद की, जिन्होंने हमारी फिल्म्स को ये रूह और ये जान बख्शी है। और इन्हीं की लेगेसी पे बेस्ड एक डॉक्यू सीरीज अमेजन पर रिलीज हुई है, एंग्री यंग मेल, जिसकी डायरेक्टर नेशनल अवार्ड विनर नम्रता राव हमारे साथ है। तो नम्रता, सफकोर्स हम ढेर सारी बातें करेंगे नम्रता, बट सबसे पहले पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में अ वार्म वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। एंड अनदर थिंग इज कंग्रेचुलेशंस ऑन योर डायरेक्टोरियल डेब्यू, और वो भी मतलब लेगेसी वाले स्क्रीन राइटर्स के साथ में। जी थैंक यू। आई वाज वेरी लकी आई थिंक। या मतलब वक्त लगा करने में, बट इट वाज ग्रेट। पर वो कहते ना, देर आए दुरुस्त आए, आए भी तो कैसे कि आप डायरेक्ट किनको कर रहे हो, सलीम जावेद। सो हाँ बिल्कुल। टेल मी, हाउ डिड इट हैपन? तो एक्चुअली मैं एडिट कर रही थी जोया के साथ लव स्टोरीज। उसने जो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी एंथोलॉजी में, तो तब हम बहुत फिल्मों की बातें करते रहते थे एडिट करते हुए। एंड तब उन्होंने मुझे बताया कि उनका ये आइडिया है कि उनको सलीम और जावेद पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है और उसका नाम होगा एंग्री यंग मैन। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा तभी, और तब मैंने उनको बोला कि अरे आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट समहाउ, कि शायद मैं एडिट करूं ऐसे। एंड देन वी कंटिन्यूड। उसके बाद हमने मेड इन हेवन भी किया, गोस्ट स्टोरीज भी साथ में किया। फिर पता नहीं पैंडेमिक के दौरान, दिसंबर 2020 में उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने तभी तभी एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री की थी, बुराड़ी हाउस ऑफ सीक्रेट्स करके एडिट करी। तो तब उन्होंने मतलब वो देखी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि क्या तुम डायरेक्ट करना चाहोगी इसको। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मतलब आई हैड बीन ट्राइंग टू डायरेक्ट फॉर फ्यू इयर्स। मतलब मैं पिच कर रही थी पर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था, तो वो भी मैं उन्हें बताती रहती थी। तो तब उन्होंने जब मुझे पूछा, मैंने मतलब इट वाज अ वेरी इंस्टिंक्टिव आंसर। मुझे लगा हाँ बिल्कुल। मतलब कई लोगों ने मुझे कहा भी कि डॉक्यूमेंट्री क्यों, फिक्शन में काम करना चाहिए डेब्यू, तो ज्यादा सीरियसली लेते हैं लोग। पर पता नहीं, मुझे मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा सब्जेक्ट, और मुझे लगा ये तो मतलब पूरी फिल्म ही है। सो इसलिए मेरे को तो कुछ भी डाउट नहीं हुआ। लाइक मैंने तो कंसल्ट भी नहीं किया किसी को। इट वाज अ यस फॉर मी इमीडिएटली। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर रिसर्च, रीडिंग एवरीथिंग ऑन देम। एंड ऑल्सो ये समझ में आया कि काफी कुछ तो उनके बारे में ऑलरेडी वो कितने इंटरव्यूज दे चुके हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं उनके ऊपर। तो ये था कि अच्छा भी क्या है जो हम नहीं जानते हैं। वी डोंट नो देम एज पीपल, वी डोंट नो देम एज ह्यूमन बीइंग्स, एज आर्टिस्ट, एंड व्हाट मेड देम मेक द चॉइसेस दैट दे मेड। तो आई थॉट आल दैट विल बी माय टेक ऑन इट। वो भी जैसे कंसल्टेंट हुआ। पर जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि इट डिडंट फील लाइक अ डॉक्यू सीरीज टू यू, बिकॉज ये अपने आप में एक फिल्म थी। वेल, आई वाज वाचिंग, मैं अभी सेकंड एपिसोड देखा है, मैंने दो देख लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इसी में से कितनी फिल्में निकल सकती हैं। ये जो हाँ कहानियां इनकी है और इनसे जुड़े लोगों के किस्से हैं इनके बारे में, लेकिन बी सो मेनी फिल्म्स ऑन दैट इटसेल्फ। या और बहुत दिलचस्प वो कैरेक्टर्स हैं। एंड एक्चुअली ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब ये एक नोशन लोगों का रहता है कि अरे वो तो बड़ी बोरिंग होती है क्योंकि उनमें उतना बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता है, या फिर मतलब इट्स अबाउट रियल पीपल नॉट अबाउट स्टार्स। बट मुझे एक्चुअली डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पसंद है बिकॉज आई फील कि वो जिंदगी की बहुत करीब होती है। एंड एक्चुअली दे गिव यू सो मच फॉडर इवन फॉर फिक्शन। मतलब इट्स लाइक मेरे एक दोस्त कहते थे पहले कि डॉक्यूमेंट्रीज आर लाइक ब्रीदिंग इन एंड फिक्शन फिल्म आर लाइक ब्रीदिंग आउट। तो आप उधर से आपको इनपुट मिलता है जो आप उसमें डालते हो, बिकॉज इट गेट्स यू वेरी क्लोज टू लाइफ। सो तो मुझे वो कभी डाउट नहीं था कि एंटरटेनमेंट तो होगा इसमें बहुत। करेक्ट, बिकॉज जिन दो शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे किरदार बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए हैं, जिनके बारे में आज भी आई डोंट नो व्हेन द फिल्म्स वर रिलीज, बट आज भी हम उन कैरेक्टर्स के नाम जानते हैं, उनके डायलॉग्स जानते हैं, उनको रिक्रिएट हम करते हैं। सो जब उन दो शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, उन दो कैरेक्टर्स, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, उनको एक डॉक्यू सीरीज, ऑब्वियसली इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। बट आई वॉन्ट टू नो, कितनी नर्वस थी जब आप उन दो लेजेंड्स को डायरेक्ट कर रही थी, क्योंकि वहां तो एंकर ऑफ द शिप आप थी, कैप्टन ऑफ द शिप। एक्चुअली जब तक डायरेक्ट करने, मतलब पहले दिन का जब शूट तक मैं पहुंची, तो मैं उनसे कई बार मिल चुकी थी। तो शुरू शुरू में मेरे को थोड़ा सा इंटिमिडेशन उनसे होता था
क्योंकि जैसे जावेद साहब हैं वो मुझसे मतलब पूछते रहते थे कि ऐसा क्या है जो मैंने नहीं बोला, मतलब ऐसा मैं तुम्हें क्या बताऊं जो मैंने किसी को नहीं बताया, मैं तो सब कुछ बताता रहता हूँ। फिर सलीम सर को भी लगता था कि अरे पुरानी बातें पता नहीं क्या तब सब करेंगे अभी तो, बट शुरू में ही था वो, एक दो मीटिंग्स में वो आइस ब्रेक हो गई, उसके बाद दे वर वेरी फ्रेंडली, दे वर मोर देन गिविंग एंड। और मैंने उन दोनों के साथ कई बार शूट किया है, 7 7 बार, आई थिंक 7 टाइम्स ईच आई हैव शॉट विद बोथ ऑफ देम ओवर 3 ईयर्स, तो हर थोड़े महीने में करते थे तो वो हर बार, और बीच में मैं उनसे मिलती भी रहती थी, यू नो ऐसे इधर उधर की बातें, कभी न्यूज देखना साथ में, कभी ऐसे ही लंच करना, तो मुझे भी मतलब क्यू मिलता रहता था कि अच्छा चलो इस डायरेक्शन में जाएंगे अभी। तो आई थिंक वो जो टाइम स्पेंड हुआ ना उसमें वो सब मतलब बैठ गया। वो नर्वसनेस चली गई। हाँ नर्वसनेस बिल्कुल चली गई, नर्वसनेस तो नहीं हुई मुझे बिल्कुल भी, मतलब के साथ ये था कि हाँ मतलब पोटेंशियल तक पहुंचना चाहिए, वो करेक्ट। नर्वसनेस अच्छा तो एज अ ये फिल्म मेकर होती ही है हमेशा। राइट, बट ये कैसी जोड़ी है जिनकी फिल्मों का या एक साथ इनके आने का एवरी आई थिंक बॉलीवुड फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एंड आई थिंक यू विटनेस दैट मोमेंट जहां ये दोनों इतने साल बाद साथ में आए। एंड आई वाज रीडिंग इट समवेयर कि उस दिन सेट पे बड़े सारे लोग थे वो मोमेंट देखने के लिए। सो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ प्लीज। एक्चुअली हमने जब स्टार्ट किया ना शूट करना तो पैंडेमिक चल रहा था, काफी कुछ मतलब इट वाज नॉट वेरी इजी टू शूट, वी वर शूटिंग इन द सेकेंड वेव, इन द पीक ऑफ सेकेंड वेव, एंड हम लोगों ने काफी सारे बुजुर्ग लोगों के साथ शूट किया तो काफी सारी हमको वो रखनी पड़ती थी, मतलब कि ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं, ये डिस्टेंस मेंटेन करो, कितने लोग सेट पे हो सकते हैं, ये सब मतलब काफी सारी लिमिटेशंस में हमने स्टार्ट किया था शूट करना। तो शुरू में तो वो पॉसिबल नहीं था, फिर जब एक बार ही सब लॉकडाउन वगैरह हट गया तब से हम ट्राई कर रहे थे, फिर कभी कुछ होके वो हो नहीं पा रहा था। फिर ये पिछली दिवाली की बात है, हम मतलब आई थिंक नवंबर 2023 की, राज ठाकरे जी मतलब वो ऑर्गेनाइज करते हैं दिवाली लाइटिंग शिवाजी पार्क में, तो उधर उन्होंने सलीम जावेद को साथ में इनॉग्रेट करने बुलाया लाइटिंग, तो फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। तो वो जो आप देखते हैं आज, अभी आपने देखा नहीं है लास्ट एपिसोड, पर आप देखेंगे हाँ, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वो जहाँ पे वो मिलते हैं वो राज जी का घर है, तो पहले हम लोग वहाँ असेंबल हुए और इतने लोग आए उनको देखने के लिए, एंड फिर हमने उनकी फोटोग्राफ्स, उनका एक पोर्ट्रेचर शूट था वो शूट हुआ, और उनका इंटरव्यू भी शूट किया, मतलब काफी कुछ, बहुत हमने उनकी पूरी मॉडलिंग करवाई, जैसे वो कह रहे थे अरे मॉडलिंग करवा रहे हो तुम, तो या तो बहुत मजा आया एंड बहुत लोग थे उस दिन। उसके बाद फिर हम शिवाजी पार्क गए जहाँ पर भी बहुत लोग मौजूद थे, प्रेस ये वो, मतलब इवन कॉमन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अराउंड दैट एरिया, सो इट वाज क्वाइट क्वाइट हेडी एंड इट वाज अ बज़ अ वाइब। राइट, बट टेल मी समथिंग, कोई फिल्म भी आप जब बनाते हो तो उसमें भी अपनी एक रिसर्च लगती है, प्रिपरेशन लगती है। एंड इफ यू आर मेकिंग अ डॉक्यू सीरीज अबाउट पीपल हु आर देयर, इतने सालों का एक उनके बारे में, देयर विल बी सो मच टू राइट अबाउट, सो मच टू टॉक अबाउट, सो मेनी पीपल जिनसे ऑफकोर्स बात कर सकते थे। और यहाँ एक लिमिटेशन होगी आपके पास कि भाई हम एक ही घंटे का एक एपिसोड बना सकते हैं। हाँ तो रिसर्च तो बहुत की होगी, लाइक लाइब्रेरी फुल ऑफ रिसर्च, लेकिन उसमें वो था ना कि आप टेबल भर के ही हमको दे पाए हैं। सो आई वांट टू नो अबाउट दैट कि वो एज एन एडिटर आपके लिए वो कितना इजी रहा कि मेरे पास लाइब्रेरी फुल ऑफ रिसर्च है इन दोनों के बारे में, बट मुझे दिखाना बस टेबल भर का है। बिल्कुल भी इजी नहीं था, बहुत टाइम लगा एडिट करने में, और मेरे साथ खैर एक बहुत ही एबल एडिटर थी गीता सिंह, ये मैंने खुद एडिट नहीं किया है, तो हम दोनों ने मतलब बहुत मेहनत करके, एंड उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि मैं तो शूट कर रही थी तो मेरे को तो उतनी ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं थी, तो शी वॉज दी ऑब्जेक्टिव वन, द लॉजिकल वन, यू नो द वन सेइंग कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए ये ऐसे है। ऑल्सो समटाइम्स वेन यू शूटिंग, मतलब ये मैंने एज एन एडिटर जो इतने साल काम किया है तो आई हैव रियलाइज दैट व्हेन यू शूटिंग यू गेट वेरी अटैच्ड टू थिंग्स, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से इतना झगड़ा वगैरह करके कोई शॉट आप लेते हो तो आपको एक अटैचमेंट हो जाती है उससे। फिर जब आप एडिट में आते हो तो आपका एडिटर जब बोलता है कि अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, तो आपको लगता है अरे मैंने तो पूरा एक दिन लगा दिया था ये शॉट में, यू नो, बट यू नीड दैट ऑब्जेक्टिविटी एंड यू, सो दैट्स वाई गीता वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड
बहुत मुश्किल था प्रोसेस, मैं सच बताऊं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यूज किए और कुछ बहुत अच्छी बातें हम नहीं रख पाए, इवन उनकी अपनी इतने अच्छे किस्से, मजेदार किस्से नहीं रख पाए, और बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, बट यू नो यू हैव टू फॉलो अ नैरेटिव स्पाइन, यू कांट, मतलब वो नैरेटिव को जो भी थोड़ा इधर उधर लेके जा रहा था उसको हमने निकाल दिया, एज दे से, आई मीन वी किल्ड अ लॉट ऑफ आवर डार्लिंग्स. बट जैसे शुरू में आपने कहा था कि डॉक्यूज आर समबडी टोल्ड यू द डॉक्यूमेंट्रीज को डायरेक्ट करना इज लाइक अ ब्रीद इन, और फिर जब आप फिक्शन कुछ बनाते तो ब्रीद आउट है. दो लेजेंड्स के साथ में आपने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है, तो टेक अवे क्या रहे हैं जिनको ब्रीद आउट आप अपने नेक्स्ट वेंचर्स में करोगे? आई मीन इट्स बीन वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, एंड जैसे जावेद साहब बोलते हैं, वो भी थर्ड एपिसोड में एक्चुअली वो अपने नहीं दिखाया, तो उसमें वो बोलते हैं कि कल जहां दीवार थी आज है एक दर देखिए, और क्या समाई थी दीवाने के सर देखिए, यू नो कि एक दीवार है और कैसे आप उससे सर मार मार के उसमें दरवाजा बनाते हैं, एंड गिव अप नहीं करना है, बिकॉज फॉर एनी क्रिएटिव एंडेवर यू हैव टू कीप शोइंग अप, यू हैव टू कीप शोइंग अप, एंड सडनली वन डे वन रोड विल अपियर, यू नो. दैट हैज बीन माई बिगेस्ट टेक अवे, कि गिविंग अप कुछ नहीं है, फेलियर कुछ नहीं है, फेलियर इट्स लाइक अ कैनवस, यू नो, कि एक रंग डाला अच्छा नहीं लगा तो उसके ऊपर बिल्ड कीजिए, कुछ और बनाइए. सो आई थिंक दैट हैज बीन अ वेरी वेरी बिग टेक अवे, एंड द फैक्ट दैट दे रियली यू नो बिलीव्ड इन देमसेल्व्स, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा, कि इतना हाई सेल्फ एस्टीम कि यू नो हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम बता देंगे, मतलब वो जो है, जैसे सलीम साहब हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले अपने को बैक करो, यू हैव टू बैक योर सेल्फ अप, तो वो एक इंटरेस्टिंग एटीट्यूड है टू हैव, स्पेशली यू नो लाइक दे वर आउटसाइडर्स, दे डिडंट नो एनीवन इन द बिजनेस, फिर भी उन्होंने आके मतलब उसी जज्बे के साथ सब कुछ किया, तो वो ही बहुत इंटरेस्टिंग टेक अवे है मेरे लिए, कि ड्रीम बिग एंड बैक योरसेल्फ, यू नो. सो व्हाट आर द काइंड ऑफ स्टोरीज जो अब आप हमें बताना चाहेंगे आगे एज ए डायरेक्टर? मतलब मुझे सोशल फनी स्टोरीज अच्छी लगती हैं, मतलब विच हैव अ सोशल इम्पैक्ट ऑल्सो, बट दे आर फनी ऑल्सो, बिकॉज आई मीन दैट दोज आर द ऑल्सो द काइंड ऑफ फिल्म्स आई लाइक, तो होपफुली समथिंग लाइक दैट, या राइट, सो वी विल लुक फॉरवर्ड कि फिक्शन वर्ल्ड में आप आए और ऐसी और कहानियां आपको बताएं. बट अमृता, यू नो जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहां फीमेल डायरेक्टर्स की बात करें तो हम गिनती में उन्हें गिन सकते हैं. अब अगर हम फीमेल एडिटर्स की बात करें, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक या दो या चार नाम भी बता पाएंगे, बट यू बिन देयर इन द इंडस्ट्री यू नो सिंस सो लॉन्ग. इतनी सारी फिल्म्स को आपने एडिट किया, अब आप डायरेक्ट कर रही हैं. हाउ इज दिस स्पेस? अगर कोई न्यू कमर है जो अस्पायरिंग है, जो आना चाहता है यू नो अनकन्वेंशनल फील्ड में, जैसे कि एडिटिंग करनी है मुझे या मुझे डायरेक्शन करनी है अदर देन जस्ट एक्टिंग, व्हाट विल योर एडवाइस बी टू देम अपनी जर्नी को लेकर? एक्चुअली आजकल तो बहुत सारी एडिटर्स, मेनी मेनी एडिटर्स ऑफ वेमेन, इनफैक्ट द टॉप एडिटर्स टुडे आर मोस्टली वेमेन, मतलब बहुत सारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मतलब मे बी व्हेन आई स्टार्टेड आउट बैक इन 2007 तब इतने लोग नहीं होते थे, क्योंकि मैं हमेशा ये जोक करती हूँ कि तब उन दिनों में लेडीज टॉयलेट वॉज क्वाइट फ्री, यू नो देयर वर वेरी फ्यू वर्किंग ऑन दैट फ्लोर, तो आप कभी भी जा सकते हो, वहां चिल कर सकते हो, कुछ नहीं है, पर अब ऐसा नहीं है, अब लाइन लगानी पड़ती है वहां पे भी, सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग आई थिंक, एंड इवन वुमेन डायरेक्टर्स यू नो आई थिंक बढ़ रहे हैं, आई मीन देयर आर सो मेनी वुमेन कमिंग फॉरवर्ड, एंड इट्स ऑल हैपनिंग, सो एनी वन हु वॉन्ट्स टू एंटर द फील्ड शुड नॉट एट ऑल थिंक कि यू नो आई एम अ वुमन सो विल आई बी एबल टू मेक इट और नॉट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आई थिंक इट्स मतलब कर करके ही बदलेगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत आसान है, बट इफ यू हैव टैलेंट, इफ यू हैव डिलिजेंस, डिसिप्लिन, देन आई थिंक इट विल वर्क आउट, वेदर यूर अ मैन और अ वुमन. राइट. सो वी रियली होप दैट एवरीथिंग दैट यू डू, चाहे आप एडिटिंग करती हैं या आगे और कुछ डायरेक्ट करती हैं, वर्क्स आउट फॉर यू और वो बड़ा एंटरटेनिंग हो, बिकॉज एज ऑडियंस फिर हम एंटरटेन होंगे. सो विशिंग यू ऑल द लक फॉर एवरीथिंग थैंक दैट यू डू यू, इन फ्यूचर अमृता, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस वन. थैंक यू, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू. सेम हियर, प्लेजर इज ऑल माइन. बाय बाय.